Good morning, students. In today's lecture of 9th standard, we will be covering session 1st, that is, what is communication, of unit 1st, communication skills of part A beta. This session deals with what is communication. Communication kya hota hai? Okay? Communication, we can say that with the help of which we can express our thoughts and feelings with the other person. ठीक है एंड इट इज़ मस्ट. कम्युनिकेशन के बिना हम लोगों का हम लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा सकते किसी को, है ना. कम्युनिकेशन होना मस्ट है. अभी कहते हैं वेदर वी रियलाइज और नॉट, वी आर कम्युनिकेटिंग ऑल द टाइम. हर टाइम हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, फ़ोन के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, ईमेल लिख रहे हैं. We are communicating to an other person directly or indirectly. It can be verbally or non-verbally. ठीक है, बोलकर कर रहे हैं हम लोग, वर्बली, वर्बल के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये दो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है बेटा. वर्बल में आ जाता है जैसे बोलकर किसी को अपने विचारों के बारे में बताना, या लिख कर बताना, या पिक्चर्स के थ्रू बताना, ठीक है, वीडियोज़ के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू बताना. एंड नॉन वर्बल में आ जाता है जब हम किसी को, किसी के यहाँ कह सकते हैं किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, देन इट इज़ नोन एज द नॉन वर्बल. अब डिफरेंट वेज, अब इन्होंने आगे नेक्स्ट डिस्कस ही कर रखा है इसको. कम्युनिकेशन बींग एबल टू टेल अदर पीपल वट यू वॉन्ट टू से, इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं हम दूसरे पर्सन को कि हम क्या कहना चाहते हैं. आप हम अपने फीलिंग्स, थॉट्स, है ना, दूसरे बंदे तक पास कर सकते हैं, या अपनी जानकारी या कोई इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, अपने ओपिनियंस दूसरे को बता सकते हैं, दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने पॉइंट्स रखकर सामने, है ना. और इन मैनी वेज वी कैन कम्युनिकेट, जैसे वर्बल फॉर्म हो गया. वर्बल में कह रहे हैं कम्युनिकेटिंग ओरली, जब हम बोल कर कर रहे हैं. नॉन वर्बल जैसे मैंने अभी बताया था, यूजिंग बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर. रिटन फॉर्म में क्या आ जाता है, जब हम लिखकर कुछ करते हैं. विजुअल है जब पिक्चर्स या लोगो दिखाते हैं. ओके, अब लेकिन अगर हम इसको ब्रॉड वे में करें ना, इन्होंने अलग अलग करके बता दिया कि रिटन का मतलब क्या है, वर्बल मींस ओरली इसमें कवर किया जाता है. लेकिन स्पेसिफिकली वर्बल के अंदर रिटन भी आ जाता है बेटा, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में भी करेंगे. एंड बोलकर जो करते हैं हम लोग ओरली, वो भी उसमें आ जाता है. और नॉन वर्बल के अंदर आपका आ जाता है जैसे आपका, जैसे मैंने पहले बताया, गेस्चर्स, पिक्चर्स, लोगोस, उसके थ्रू जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग, सो दैट कम्स टू बी नोन एज नॉन वर्बल. कम्युनिकेटिंग इन एनी ऑफ द वर्ब वेल्स विल सेंड द मैसेज अक्रॉस, वो मैसेज दूसरे तक पहुंचाएगा. बट नॉट ऑल कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव, पर जरूरी नहीं कि वो कम्युनिकेशन, ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो दूसरे को, ठीक है, पर जरूरी नहीं कि वो जो कम्युनिकेशन आपने दूसरे बंदे के साथ की या पर्सन के साथ की, वो इफेक्टिव हो, क्योंकि उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं. क्या होती हैं, क्या, या हम कह सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है. इट रेफर्स टू द राइट वे, एक तरीका है, स्टाइल है कम्युनिकेट करने का, जिससे वो दूसरे पे कोई असर छोड़े, है ना, और जो वो मैसेज देना चाहता है वो राइट तरीके से दूसरे बंदे को तक पहुँचा सके. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम राइट वर्ड्स या अप्रोप्रिएट पॉजेस ले रहे हैं, मेंटेन आई कांटेक्ट कर रहे हैं, अपनी टोन सही से रख रहे हैं, दूसरे बंदे का अटेंशन को होल्ड कर पा रहे हैं, ठीक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज का साथ में ध्यान रख रहे हैं, तो यू विल बी नोन एज अ गुड स्पीकर, और वी कैन से दैट द कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव वे बेटा. नाउ अब कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जिसको मिलकर हम कहेंगे कि हाँ कम्युनिकेशन हो गया. नंबर वन, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कोई बोलने वाला वक्ता भी होना चाहिए, या जो मैसेज डिलीवर कर रहा है वो कौन होता है, सेंडर. और जो मैसेज हम दूसरे तक पहुंचा रहे हैं वो क्या होता है, आइडिया या इन्फॉर्मेशन या मैसेज. ठीक है, हमने कहा कि हम कोई जानकारी दे रहे हैं, या मेरी ये जानकारी है, या ये इन्फॉर्मेशन है जो मुझे एक्सप्रेस करनी, लेकिन आप किस तरह उसको एक्सप्रेस करके दूसरे तक पहुंचा रहे हैं वो क्या है, इनकोडिंग. अब किस चैनल के थ्रू दूसरे पर्सन के पास वो बात पहुंच रही है, दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन चैनल. अब जैसे हम वर्बली बोलते हैं एक दूसरे के साथ, तो कम्युनिकेशन चैनल क्या हुआ बच्चे, उसमें एयर. और फिर जो रिसीव करता है वो कौन होता है, रिसीवर होता है. ठीक है, किसको रिसीव करता है, वो मैसेज को करता है.
ठीक है, लेकिन उसको वो ठीक है मैसेज को रिसीव कर रहा है, ठीक है, शी शुड यूज द सेम मीडियम एंड शुड डिकोड द रिसीव्ड मैसेज सो डैट द मैसेज कैन बी कॉम्प्रीहेंडेड एंड अंडरस्टूड, कि जिससे समझ में आ जाए. इफ द मैसेज कंटेन अ प्रॉपर मेडिकल टर्म्स देन द रिसीव्ड शुड बी राइटली डिकोडेड यूजिंग द सेम लैंग्वेज इन विच द मैसेज इज इनकोडेड, जिसमें मैसेज दिया गया जिस लैंग्वेज में उसी में हम ले रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज योर डीकोडिंग. और जब ले लिया मैसेज फिर उसका फीडबैक होता है कि समझ में आया या नहीं, या उसका मैसेज भी फ्रूटफुल था या नहीं, तो वो किस तरह हम बताएंगे, थ्रू द फीडबैक. अब जैसे समवन इज स्पीकिंग और दूसरा जो उसको सुन रहा है वो नॉड कर रहा है अपना हेड, इट मीन्स इट इज़ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसको समझ में आ रहा है, इंटरेक्टिव है, तो वो अपना फीडबैक दे रहे हैं एक तरह का, नॉड करके है या क्लैपिंग हो रही है, तो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फीडबैक विच द स्पीकर गेट. The next one is that is your communication skills are very important in all type of fields. कहते हैं हर जगह communication ज़रूरी है. इसकी importance क्या है, क्या important point है, what is the importance of communication, है ना, a communication, effective communication we can say, है ना. जैसे ये पिछले पेज पे नीचे इन्होंने दे रखा है importance of communication skills, कि हमारे लिए communication ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी स्किल्स लियाकत हैं जिससे कम्युनिकेशन अफेक्टिव हो जाए, क्या हैं वो, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें चाहिए अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल. नंबर वन, गेट द मैसेज अक्रॉस करेक्टली. जो हम मैसेज दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं वो हम सही से पहुंचा पाए, देन ओनली द थिंग इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल ना. अब देखो कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द करेक्ट मैसेज अक्रॉस एट राइट फॉर्म, राइट तरीके में दूसरे को पहुँचे. और अगर हमारी कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो रही है और हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो हमें प्रोफेशनल सक्सेस भी देगा. अब मान लीजिए एक मैनेजर है, उसके अंडर कोई एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अगर वे उनको अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है, उनको मोटिवेट कर पा रहा है अच्छे से काम करने के लिए, नेचुरली द एम्प्लॉयज़ विल बी डूइंग द वर्क, है ना. और जब वो उनसे काम करवा पा रहा है अच्छे से, किसके थ्रू करवा पा रहा है, बोल करना या उनको मोटिवेट करके, मोटिवेट मीन्स दे इज कम्युनिकेटिंग, चाहे वो उसके वर्ड्स यूज़ कर रहा है मोटिवेट करने के लिए, तो जब वो अपना प्रोडक्ट अच्छा दे रहा है, उसे रिजल्ट अच्छा दे रहा है, तो नेचुरली ही इज गोइंग टू गेट अ प्रोफेशनल सक्सेस टू बी गिवन टू बी द मैनेजर थ्रू हिज और हर बॉस. और नेचुरली प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी ही होगी इसमें, है ना, कुछ रिजल्ट अच्छा आएगा. और हम किसी की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, जब कोई प्रॉब्लम बताता है अच्छे से और दूसरा बंदा उसको सॉल्व कर सकता है ना, ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है. एंड बेटर प्रोफेशनल इमेज, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह से अच्छे से काम ले पा रहे हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, तो नेचुरली इट इज़ गोइंग टू गिव द गुड इमेज ऑफ आर्स इन फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन, ओके, और इन फ्रंट ऑफ आवर बॉस. देन बेटर नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप, जब हम अच्छे से, अगर हम बोलते ही नहीं किसी के साथ तो हमारी फ्रेंडशिप किससे होगी, नहीं से ना, उसके लिए कुछ शब्द तो यूज़ करने ही पड़ेंगे ना, है ना, दूसरे बंदे के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए. तो कहते हैं कम्युनिकेशन का ग्रेट रोल है हमारे जज करने के लिए या अपने रिलेशन दूसरों के साथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए. अब बेटा चेक पॉइंट्स आ जाते हैं. सबसे पहले व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है बेटा, तो पॉइंट्स दे रखे हैं अलग अलग. That it is the exchanging thoughts, idea, message through speech, writing, signal and body language. क्या ये है, यहाँ सिर्फ information दे रहे हैं, imparting information, या हम कह सकते हैं एक system है जिसके थ्रू mail, telephonically या television की help से हम sending या receive message कर रहे हैं, या सारे हैं, ठीक है, imparting information भी है. लेकिन अगर ये देखा जाए ना, ये complete है अपने आप में, exchanging thoughts, idea and message through speech, writing, signals and body language. हम पूरी इसकी सही से डेफिनेशन दे सकते हैं. हम ये नहीं कह सकते कि एक सिस्टम है कि वो ठीक है, वो कम्युनिकेशन चैनल हो जाएगा, ओके. अगला, विच इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन दे रखे हैं ना बेटा. नंबर वन, इन्हांस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, नेचुरली हमारे रिलेशन दूसरों के साथ अच्छे बिल्ड होते हैं, ठीक है, क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं बिजनेस को गोल को, और इम्प्रूव भी करता है बिजनेस. तो चौथा है रेवेन्यू लॉस, ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो रेवेन्यू लॉस हुआ, तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन. नेक्स्ट,
हू इज़ अ पर्सन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू थॉट, कौन सा है वो पर्सन जो न्यू थॉट लेकर दूसरों के सामने आता है, तो कौन होगा बेटा, सेंडर। फिर अगला फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। पहले क्वेश्चन में से लिखना है, द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, लिखने के बाद बेटा आप पिछले पेज पे आ जाओ, ये दे रखे हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ योर A5 बेटा, ठीक है। तो पहले हमें हेडिंग्स लिखनी है, दैट इज़ सेंडर पूरा कंप्लीट, द वन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन तक। फिर आइडिया वाला भी, द आइडिया बींग जो कन्वेड हो रहा है मैसेज, वो क्या होता है, आइडिया या इन्फॉर्मेशन। इनकोडिंग को सिर्फ हमने लिखना है, गिव सम स्ट्रक्चर टू फॉर्म टू द आइडिया यहाँ तक। देन कम्युनिकेशन चैनल कंप्लीट, रिसीवर कौन होता है जो रिसीव कर रहा है, दैट इज डीकोडिंग आप अंडरस्टूड तक लिखोगे बेटा, ओके। एंड फीडबैक अगेन यू हैव टू राइट कम्प्लीटली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों होनी चाहिए, लियाकत क्यों होनी चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। तो पहले क्वेश्चन में से द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज, अब ऊपर इसी पेज पे आप लिख सकते हो, नंबर वन बस हेडिंग्स लिखनी, गेट द मैसेज अक्रॉस करेक्टली, प्रोफेशनल सक्सेस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेटर प्रोफेशनल इमेज, बेटर नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस। ओके थैंक्स बेटा।